حسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة في كل ساعة وليا وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم وأهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال الأمير المؤمنين اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام عشرۃ یفتنون انفسہم وغیرہم ذو العلم القلیل یتکلف ان یعلم الناس کثیرا. یہ نہایت خوشی کا موقع ہے اور نہایت سرور کا مرحلہ ہے کہ خداوند عالم نے مجھ حقیر کو ساتھ ساتھ آپ تمام ناظرین کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ اتنے قریب سے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں زیارت کر سکیں. البتہ یہ موقع جو ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے یہ ایک عالمی وبا کے نتیجے میں ہے کہ جس کی بنیاد پر حرم مطہر کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن خاص طور پر جو چینل وغیرہ کام کر رہے ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ آئیں اور شیفتگان آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پروگرام ڈب کر کے ان کو آن لائن زیارت کا شرف بھی نصیب ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو نشر کیا جا سکے. ہماری دعا ہے اسی حرم مطہر سے، مرکز جلال و جبروت فاطمی، جہاں خداوند عالم نے صدیقہ طاہرہ کے جلال و جبروت کو اکٹھا کر دیا ہے، اس مرکز سے جہاں ہر ایک کی تمنائیں اور دعائیں پوری ہوتی ہیں، اسی مرکز سے ہماری خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جس آزمائش میں خداوند عالم نے ہم سب کو ڈالا ہے، اس آزمائش سے خداوند عالم ہمیں عزت و سربلندی اور سرافرازی کے ساتھ باہر نکالے. واقعاً یہ زمانہ ان لوگوں کے لیے بظاہر سنہرا موقع ہے، گولڈن چانس ہے، جو آل محمد کے چاہنے والوں کے عقائد کو سست کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے بہترین موقع بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ وہ عقیدہ شفاعت، عقیدہ شفا، توسل سب سے انکار کر دیں.
लेकिन वो लोग जो ऐसे मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो भूल गए हैं कि ऐसे मौक़े पर खुदावंद आलम आज़माता है और देखता है कि किस तरीक़े से लोग इस आजमाइश में कामयाब होते हैं। ये आलमी वबा और आलमी बेचैनी यकीनन आलमी सुकून का सबब करार पाएगी। दुनिया के ज़ालिमों ने जो साजिशें रची हैं इंशाअल्लाह ये साजिशें उन्हीं के नुकसान में तमाम होंगी और दुनिया को आलमी सुकून नसीब होगा उस वक्त जब वो आ जाएगा जिसके लिए सारी दबी कुचली इंसानियत मुंतज़िर है। इसीलिए हमने इस सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए उसी ज़ात के तस्करे से अपनी बातों को शुरू करने का इरादा किया है जिसके इंतज़ार में जाने अनजाने हर तरीक़े से इंसानियत मुंतज़िर है, बशरियत मुंतज़िर है, खिलकत मुंतज़िर है, कायनात मुंतज़िर है, आलम जबरूत से आलम नासूत तक हर ज़र्रा ज़र्रा वजूद का हर ज़र्रा ज़र्रा उस ज़ात के इंतज़ार में है। इमाम ज़मान अज़ल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ात वाला सिफ़ात वो ज़ात है जिसके इंतज़ार में जानते हुए या न जानते हुए हर वजूद इंतज़ार की घड़ियां देख रहा है। हमारे लिए ख़ुशी का मौका ये है कि हम जानबूझकर इंतज़ार कर रहे हैं, हम मारिफत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, हम जानते हैं कि वो जो आने वाला है वो फ़र्जंदे ज़हराए मर्ज़िया है, हम जानते हैं कि जो आने वाला है वो इब्न रज़ा है, हम जानते हैं कि जो आने वाला है वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाहक खून का इंतकाम लेने वाला है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाहक खून का इंतकाम लेने वाला है, हज़रत सिद्दी हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का भतीजा है, पोता है। हमें ये मालूम है, हम ये जानते हैं, अच्छी तरीक़े से जानते हैं। बस जब भी हमारी मारिफत में इजाफ़ा होगा, जिस तरीक़े से इजाफ़ा होता चला जाएगा, हम उतना ही ज़ुहूर के ज़माने को करीब से करीब तर करते चले जाएंगे। ये ज़माना कमज़ोर अकीदा रखने वालों के लिए अकीदे की सुस्ती का ज़माना है और जो लोग उनके इंतज़ार में घड़ियां बिता रहे हैं उनके अकीदे के मज़बूत होने का ज़माना है। ऐसे हालात ऐसे माहौल उस वक्त भी पैदा होंगे जब हज़रत ज़ुहूर करेंगे, जब हज़रत ज़ुहूर करेंगे उस वक्त भी ऐसे हालात पैदा होंगे। कुछ लोगों को जब कब्र से निकाल के जलाया जाएगा, जब सूखे दरख्त सरसब्ज़ शादाब हो जाएंगे, तो कुछ लोगों के अकीदे सुस्त होंगे। शायद ये ज़माना भी उन्हीं आजमाइशात में से एक आजमाइश हो जो ज़ुहूर के काबिल की आजमाइश है। सबसे अहम चीज़ इंतज़ार से पहले मारिफत है। हज़रत हुज्जत अज़ल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की मारिफत और शनाख्त, हकीक़त ये है कि हमारी समझ से मावरा है, हमारी शनाख्त और मारिफत से माफौक है। यानी हम उस चीज़ के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, हम उन हालात के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं जिनके सिलसिले में हमें मालूमात नहीं हैं, हमारी मालूमात बहुत कम है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, खिसाल की हदीस है, अल्लामा मजलिसी ने भी इसको ज़िक्र किया है अपनी बिहारुल अनवार की दूसरी जिल्द में, शेख सदूक ने
خصال میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے صفحہ 437 میں، جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 قسم کے افراد ہیں کہ جو خود بھی مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی مشکلات میں گرفتار کرتے ہیں۔ ہمیں ان 10 لوگوں کا تذکرہ تو نہیں کرنا ہے، صرف ان 10 لوگوں میں سے ایک قسم کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 10 قسم کے لوگ ایسے ہیں، یفتنون، جو اپنے آپ کو مشکلات میں گرفتار کرتے ہیں، جو خود فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں، مشکلات میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم وہ عالم ہے، ذو العلم الکثیر قلیل، وہ کم علم رکھنے والا عالم ہے کہ جو دوسروں کو زیادہ علم عطا کرنا چاہتا ہے، زبردستی اپنے آپ کے اوپر زحمت میں خود کو ڈال کر، مشکلات میں خود کو ڈال کر دوسروں کو زیادہ علم عطا کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس کے پاس خود علم قلیل ہے۔ ہماری حالت وہی ہے۔ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ہماری حالت یہی ہے کہ ہم امام علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں، آپ کی معرفت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس خود وہ معرفت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم امام علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچنوا سکیں۔ ہم خود ابھی طفل مکتب ہیں، ہم خود ابھی ابجد خوانی بھی صحیح سے طے نہیں کر پائے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت سے آپ کو آشنا کرائیں، پہچنوائیں کہ امام کون ہیں، امام کی ذات کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اپنے کو بھی تھکاوٹ میں مبتلا کرنا ہے اور آپ کو بھی بیجا تھکن میں مبتلا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی معرفت سے آشنا کرنا ہے، اس کی معرفت ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم تو اس حد تک بھی نہیں ہیں کہ ہم خود کو اس در کا سگ کہہ سکیں۔ اس در کا سگ قرار پانا اور ہم کہیں کہ ہم تبسم سے قلب کر رہے ہیں، جب کتا اپنے مالک کے در پر آتا ہے تو اپنی وفاداری کے اعلان کے لیے، اپنی محبت کے اعلان کے لیے اپنی دم ہلاتا ہے، یعنی اپنے مالک کی اپنے انداز میں چاپلوسی کرتا ہے، اپنے انداز میں تملق کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تبسم سے قلب عربی میں۔ بہت ساری بحثیں ہیں اس سلسلے میں کہ کتے کی کتنی خصوصیات ہیں، معصومین نے بیان کی ہیں، اور مومن میں وہ کون سے اوصاف ہونے چاہیے جو ایک سگ میں، ایک قلب میں پائے جاتے ہیں، اور کس طریقے سے انسان خدا کی بارگاہ میں جائے کہ وہ تبسم سے قلب کا عنوان قرار پائے، کس طریقے سے اپنی دونوں انگلیوں کو ہلا کر انسان خدا سے دعا مانگے۔ یہ ایک مفصل بحث ہے جو اس وقت پیش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میں صرف یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس مرحلے پر بھی نہیں ہیں کہ ہم تبسم سے قلب ایک کتے کی طرح اپنی محبت اور اپنی وفاداری کا اعلان کر سکیں، چونکہ ابھی ہمارا امتحان نہیں لیا جا سکا ہے۔ کتے کی جو خصوصیت بیان کی گئی ہے، جو خصوصیت بیان کی گئی ہے کتے کی، 10 خصوصیتیں بیان کی گئی، عرض کیا کہ اس وادی میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ 10 خصوصیتوں میں سے کتے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا مالک اسے 100 بار بھی مارتا ہے، پیر سے مارتا ہے، دھتکارتا ہے، بھگاتا ہے، پھر بھی کتا کے اسی در پر بیٹھتا ہے، جس در پر کھایا ہے، جس مالک کو پہچانتا ہے۔ اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں،
मालिक के दोस्त को पहचानता है, मालिक के दुश्मन को पहचानता है, इन सब बातों के ऊपर बहस नहीं है। ये सबसे अहम खसूसियत जो बयान की गई, 10 बार मालिक मारे 100 बार मालिक मारे फिर भी कुत्ता आके मालिक के दरवाजे पर बैठता है। हमारा तो अभी एक बार भी इम्तिहान नहीं लिया गया है, हमारी तरफ तो एक बार भी संग नहीं फेंका गया है कि हम सग होने का सबूत पेश कर सके, एक पत्थर भी नहीं आया है इम्तिहान का। अभी आप देख रहे हैं, हम जो कह रहे हैं हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि ये कहने से कि हम उनके दर के सग हैं, हम उनके दर के कल्ब हैं, हम उनके दर के कुत्ते हैं, वाकयन इस्तग़फ़ार करना चाहिए। हमने अभी तक उनके दर के सग और कल्ब होने का इम्तिहान पेश नहीं किया है कि हम कह सकें कि हम तबस्सुब से कल्ब करने वाले हैं, हम इस दर के कुत्ते हैं, हम इस दर के सग हैं। नहीं, अभी तो हमारा एक एक कोरोना का मसला अभी देख लीजिए जो चल रहा है ये आलमी पे, इसमें कितनों के अकीदे, ये कैसी आजमाइश है। एक ये आलमी वबा आई है, घर में लोगों का बंद होना, खाने पीने की मुश्किलात, ये सारी चीज़ें हर एक की ज़बान पर वावेला है। कहाँ है मौला, कहाँ है अकीदा, कहाँ है दीन, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें, वो सुकून, वो इत्मीनान के जो ऐसे माहौल में रहना चाहिए, ऐसे मरहले में उफव्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद का जो मामला है वो होना चाहिए, वो हमें नहीं पाया जा रहा है, वो हमें नहीं है। बस हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए इस चीज़ से कि हम ये कहें कि हम इनके दर के सग हैं, हम इनके दर के कुत्ते नहीं, हमने अभी इस दर के सग होने का भी इम्तिहान नहीं दिया। हाँ, ये कह सकते हैं हम बखूबी कह सकते हैं कि मैं खाके कफे पाए सगे कुए अली हूँ, मैं खाके कफे पाए सगे कुए अली हूँ, गुलरेज यहाँ मुझसे बड़ा कोई नहीं है। वाकईत यही है कि इनके दर पर आने की वजह से हम दूसरों के मुकाबले में तो मुमकिन है कि बहुत बड़े दिखाई दें, दुनिया हमें बहुत बड़ा समझे, दुनिया हमें बहुत आली समझे, लेकिन इस दर के सग होने के दर्जे तक भी हम फायज़ नहीं हैं। और अगर कोई ये समझता है कि हम कुए अहले बैत के, कुए इमाम ज़मान के सग हैं, हम जैसे अफराद को, ऊँचे जो लोग हैं उनके दर्जे आली हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमें इससे इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि हम अपने आप को इस दर का सग समझें। हमें तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत, जितना इस मारिफत में इजाफ़ा होगा उतना ज़्यादा सुकून में इजाफ़ा होगा। बेचैनियों के ज़माने में सुकून, इज़्तिराब के ज़माने में सुकून, इज़्तिरार के ज़माने में सुकून, वो हासिल होगा। और वो उस वक्त हासिल होगा जब हमें वो मारफत हासिल हो जाए जो इमाम ज़माना की मारफत है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हमारे अल्फाज में नहीं है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हमारी किताबों में नहीं है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हमारी इस बहस और हमारे इस मुबाहसे में नहीं है, सिर्फ बहुत दूर है, बहुत मावरा है। अच्छा, ये ऐसी बात नहीं कि आप ये समझें कि मैं फ़कत इमोशनल करने के लिए, जज्बाती तौर पर आपको ऊपर ले जाने के लिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं समझ सकता है, कोई नहीं पहचान सकता, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने इसलिए ये बातें कही हैं कि ये बातें मुसल्लम हैं, मुसल्लमुस्सबूत हैं कि हमें उस रास्ते से मारफत हासिल करनी है जिन रास्तों से खुदा ने मारफत हासिल करने का हुक्म दिया है। अगर उन रास्तों से हमने पहचाना तब तो हम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को पहचान सकते हैं, और अगर हमने उन रास्तों से नहीं पहचाना, अगर हमने उन रास्तों को इख्तियार नहीं किया, तो सिर्फ अल्फाज होंगे, वो अल्फाज के जो मानी से खाली होंगे, वो अल्फाज के जो हकीकतों से खाली होंगे। वक्त नहीं है, आइंदा गुफ्तगू में आपके सामने मैं अर्ज़ करूँगा, अपने दावे की दलील पेश करूँगा कि ये अल्फाज खोखले हैं
अगर वो मारफत हासिल ना हो जिन मारफत के लिए खुदावंद आलम ने मासूमीन ने बताया है, अगर उन रास्तों को इख्तियार नहीं किया गया तो हमारे पास खोखले अल्फाज मिलेंगे। असमाउन इल्ला समैतुमूहा, इसके अलावा हमारी कोई हकीकत नहीं होगी, खाली नाम होंगे, लफ्ज़ों के गिरदाब में हमें फंसाया जाएगा। जब हम लफ्ज़ों के गिरदाब में फंसाए जाएंगे तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ लोग उन लफ्ज़ों से बेवकूफ़ बन सकते हैं, हकीकतों को समझ नहीं सकते हैं। उम्मीद है कि हम उस मारफत को हासिल करें जो इमाम ज़मान पसंद हो, जो खुदा चाहता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।